सो हेलो गाइस, फाइनली यार बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है 1.4 का, जिसके अंदर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग दोनों मोड आ चुके हैं। कॉन्ग का तो आ चुका है सेनोक में, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, और गॉडजिला का इरंगल में आ चुका। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। सो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना ठीक है, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में मत चिल्लाना। सो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उसी लिंक से आपको डायरेक्ट आप जाओगे तो डायरेक्ट वहां पर रिडायरेक्ट हो जाओगे आप उसी वेबसाइट पे 1.4 बीटा वर्जन का। सो मैंने देख लीजिए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है डाउनलोड एंड्रॉइड वर्जन ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख लो 600 MB कुछ लगभग है। सो यहाँ पे देख लो डाउनलोड हो ही रहा है। सो ये जब तक डाउनलोड होता है थोड़ा मैं कटिंग कर देता हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस में दिखाता हूँ। और गाइस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, अगर समझना स्टेप बाय स्टेप तो ठीक है। सो आप लोग जैसे कि देख लो ऑलमोस्ट मेरा डाउनलोड हो गया है। सो आप देखते ओके गाइस, तो देख लो जैसे कि ऑलमोस्ट मेरा हो गया डाउनलोड, तो अभी ओपन करते हैं इसको इंस्टॉल। ये 1.4 का बीटा वर्जन है गाइस, ध्यान रखना 1.4 का ठीक है। सो अपन क्या करते हैं इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जैसे कि देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे ओरिजिनल 1.4 का बीटा वर्जन है ये ऑफिशियल, ध्यान रखना। सो अपना ओपन कर लेते हैं एक बार ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, उस पहले एक VPN कनेक्ट कर लेना, कोई भी कंट्री से करो, एनी कंट्री ठीक है, वो जरूरी है VPN कनेक्ट करना, क्योंकि VPN कनेक्ट करोगे तभी रिसोर्सेज वगैरह डाउनलोड होएंगे बीटा वर्जन के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। सो अपन को कुछ नहीं करना, कोई भी एक सर्वर से VPN कनेक्ट कर लेना है। और गाइस VPN कनेक्ट होने के बाद अपन को बीटा वर्जन ओपन करना है, ध्यान रखना गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना। मैं पहले ही बता रहा हूँ कोड मांगेगा एक बीटा वर्जन को ओपन करने के लिए, वो कोड मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो चलो फटाफट परमिशन वगैरह दे देते हैं एक बार, बीटा वर्जन की जितनी भी परमिशन वगैरह मांगता है। सो अपना एक बार ओपन हो रहा है, यहाँ पे देख लो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, कुछ ध्यान रखना ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। सो ये फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है आप लोगों का, ध्यान रखना। वैसे तो टाइम लगता तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है गाइस, ध्यान रखना, लेकिन मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर रखा तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है। सो अभी देख लो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रखा है, जो अपन को मतलब अच्छा लगे वो कर लो यार, जो सस्ता सुंदर लगे वो कर लो, या फिर अच्छा क्लियरिटी में देखना चाहते हो तो अच्छे कर लो थोड़े। और यहाँ पे ये आ गया 265 MB का अपडेट आ चुका, यहाँ पे भी इस कटिंग करता थोड़ा पार्ट, ये भी मतलब अपडेट हो गया। तो चलो ये VPN हुआ तभी ये शो हुआ, नहीं तो शो नहीं होता विदाउट VPN। सो अभी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेना, फिर आपको मतलब कर लेना लॉगिन यार, जो भी मतलब यार कोई भी जाओ तो जिस अकाउंट से, तो मैं तो गेस्ट अकाउंट से कर रहा हूँ, तो मेरा गेस्ट अकाउंट से लॉगिन हो रहा है। और लॉगिन होने के बाद आपको सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम बताऊंगा इस बीटा वर्जन का क्या है और क्यों ओपन नहीं होता हर किसी बंदे से, ये मैं आपको इसका प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, और इस प्रॉब्लम का सॉल्व भी लेके आया हूँ मैं, सॉल्व कैसे करना इस प्रॉब्लम को। सो आप लोग देखते रहो वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना गाइस ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है एंटर इन्विटेशन कोड ठीक है, ध्यान रखना ये कोड अपन को कहाँ से मिलेगा। सो आपको कुछ नहीं करना, VPN कनेक्ट रहने देना है, और अपना जो पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन है, ध्यान रखना गाइस, पबजी मोबाइल जो ग्लोबल वर्जन है वो ओपन करना है। हाँ देख लो जैसे कि मैं VPN कनेक्ट है मेरा, और मैं आप लोगों को एक बार VPN के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड देख लो, ध्यान रखना बीटा वर्जन भी ओपन रहने देना है बैकग्राउंड में, और आपको पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन भी ओपन करना है। सो अपन को कोड मिलेगा ग्लोबल वर्जन के अंदर, और ध्यान रखना कहाँ पर मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना गाइस। यार मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, मैं एक बार और मैं आपको बोल रहा हूँ यार, वीडियो लास्ट तक देखना ठीक है, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, और मैं स्टार्टिंग से डाउनलोडिंग करने का प्रोसेस तक दिखाया हूँ आप लोगों को, ये नहीं है कि डायरेक्ट लॉगिन का दिखाया हूँ ठीक है। सो आप लोग यार समझ जाना। तो अभी देख लो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का आ रहा है मेरा, यहाँ पे पता नहीं क्या ऑप्शन आ रहा है। सो मेरा बीटा वर्जन फटाफट ओपन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं इसको, एक बार ये ओपन हो जाता फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको आगे की प्रोसेस। सो भाई हो जाए यार फटाफट ओपन यार। सो अपन को इनविटेशन कोड इसके अंदर से मिलने वाला है, और हाँ ये आज शो नहीं हो रहा, ये कब कोई इवेंट आएगा तब शो होगा, इवेंट के अंदर शो होगा ध्यान रखना। ये देखो आपको कुछ नहीं करना, ये जो इवेंट का ऑप्शन आ रहा है इसमें जाओगे तो आप रिकमेंडेड में जाओगे, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ साइड में, जैसे कि आप लोग देख लो यहाँ पे आएगा टेस्ट सर्वर नाम से आएगा। सो ये इवेंट आएगा, इस इवेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जनरेट कोड का ऑप्शन आएगा, ये देख लो पेज में आपको दिखा रहा हूँ, जनरेट कोड करोगे यहाँ पे कोड कॉपी करके आपको स्क्रीन मिनिमाइज करके डायरेक्ट बीटा वर्जन में जाना है, जैसे कि अभी देखो मैं जा रहा हूँ, और बीटा वर्जन में जाते ही आपको लगा देना है, और आपका इजीली यहाँ से बीटा वर्जन हो जाएगा।
और यहाँ पे पेस्ट करते ही कोड पेस्ट करोगे तो आपका इजीली चल जाएगा। और ग्लोबल वर्जन के अंदर 2-3 दिन बाद आएगा कोड का ऑप्शन, ध्यान रखना टेस्ट सर्वर इवेंट। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।